प्रिय विद्यार्थियों, बीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका श्रद्धा सिंह आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अध्याय 8 विकारी शब्द संज्ञा के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले आया है विकारी शब्द। तो जब हम शब्द विचार कर रहे थे तो उसमें मैंने प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद बताए थे। तो उसमें इस प्रयोग के आधार पर मैंने शब्द के दो भेद बताए थे, कौन कौन से, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन होता है अर्थात विकार उत्पन्न होता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के, कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो उसी में आता है संज्ञा, कि संज्ञा का अभिप्राय क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले संज्ञा का अर्थ, संज्ञा से अभिप्राय। तो संज्ञा का अभिप्राय, संज्ञा से क्या अभिप्राय है बेटा, नाम या पहचान। संज्ञा का अभिप्राय अर्थात संज्ञा का अर्थ होता है नाम या पहचान। संसार के प्रत्येक व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव का कुछ न कुछ नाम होता है, हम उन्हीं नामों के द्वारा उनको पहचानते हैं। तो इस प्रकार हम संज्ञा को परिभाषित कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं बेटा, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मैंने अर्थ अभिप्राय क्या बताया था, नाम या पहचान। तो मैंने बताया ना कि संसार के प्रत्येक व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव का कुछ न कुछ नाम होता है। तो इस प्रकार संज्ञा को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण द्वारा समझिए, जैसे व्यक्ति के नाम है, व्यक्ति के नाम रमेश, मोहन, राधा, ये क्या है, ये व्यक्ति के नाम है। उसी प्रकार वस्तु, वस्तु के नाम में हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए बस, पेड़, फुटबॉल, ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे वस्तु हो जाएंगे। उसी प्रकार प्राणी में शेर, हाथी, बकरी, तो ये क्या हो जाएंगे, ये प्राणी के नाम हो जाएंगे। उसके बाद स्थान, स्थान के नाम में हो जाएंगे, जैसे बेटा दिल्ली, आगरा, देवरिया,
क्या हो जाएंगे, ये स्थान है। उसके बाद आता है बेटा भाव। भाव के नाम, तो भाव में क्या हो जाएंगे, जैसे बचपन, बुढ़ापा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा जैसे मिठास, ये क्या है, ये भाव है। तो ये क्या है, ये संज्ञा है। तो संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इसके बाद आता है संज्ञा के भेद, कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के भेद देखिए बेटा, यहाँ पे आ गया संज्ञा के भेद। तो वैसे तो संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के बाद अगला हमारा है भाव। भाववाचक संज्ञा, देखिए संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद माने जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, तो आप कितने बताएंगे, तीन। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन अंग्रेजी जब भी आप पढ़ते हैं तो उसमें संज्ञा अर्थात नाउन, संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, नाउन। तो जब आप उसमें नाउन पढ़ते हैं तो उसमें जब काइंड्स ऑफ नाउन आता है, अर्थात नाउन के जब प्रकार आते हैं, तो उसमें पांच बताए जाते हैं। तो जो दो उसमें प्रकार है उसको क्या किया गया है, हिंदी में भी मान लिया गया है। तो वो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं बेटा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा हो जाता है समूहवाचक संज्ञा। देखिए बेटा, आपसे प्रश्न दो प्रकार से पूछे जा सकते हैं। अगर पूछा जाए कि हिंदी में संज्ञा मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, अर्थात संज्ञा के मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो जब मुख्य रूप से पूछेगा तो आप तीन प्रकार के लिखेंगे, कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, अगर उसमें मुख्य न जोड़ा जाए, सिर्फ ये पूछा जाए कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तब व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो ये क्या है, ये तब पांच बताएंगे। अगर मुख्य रूप से पूछेंगे तो आप तीन ही बताएंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो अब हम सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। कहते हैं तो जिन संज्ञा शब्दों में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। देखिए बेटा, मैंने बताया है कि किसी विशेष व्यक्ति, विशेष, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार और ध्यान से सुनिए
कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कि जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ध्यान से उदाहरण लिखिएगा, इसका उदाहरण मैं लिख रही हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी से लौट आए। देखिएगा बेटा ध्यान, मैंने उदाहरण इसको ध्यान से समझिएगा आपको। मैंने लिखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जर्मनी से लौट आए। तो यहाँ देखिए श्री नरेंद्र मोदी ये क्या है, ये विशेष व्यक्ति है क्योंकि क्या क्या लगा हुआ है, प्रधानमंत्री। और ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो अपने भारत देश के, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री कौन है बेटा, तो श्री नरेंद्र मोदी। तो ये क्या हुए, ये विशेष व्यक्ति हुए ना, तो ये किस में आएंगे, व्यक्ति वाचक संज्ञा में। उसी प्रकार इसमें जर्मनी, जर्मनी क्या है, एक देश का नाम है, तो ये भी क्या है, ये विशेष स्थान हो गया, तो ये किसमें आएगा, व्यक्ति वाचक संज्ञा में, क्योंकि जर्मनी एक ही है, जर्मनी एक देश का नाम है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये भी विशेष स्थान है, तो इसमें किसमें आएगा, तो व्यक्ति वाचक संज्ञा में। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, लाल किला दिल्ली में स्थित है। यहां देखिए लाल किला क्या है, एक इमारत है, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, ये भी विशेष है, तो किसमें आएगा बेटा, व्यक्ति वाचक संज्ञा में। दिल्ली, दिल्ली एक स्थान का नाम है आपकी जो भारत देश में है, और हमारे भारत देश की राजधानी भी क्या है, दिल्ली है, तो ये विशेष स्थान रख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं बेटा, कि जिन संज्ञा शब्दों में किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा हमारा है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा हमारा क्या है बेटा, जाति वाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के सभी वस्तुओं, प्राणियों या स्थान का जब बोध होता है तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आपके पुस्तक में लिखा है कि जिस संज्ञा से संपूर्ण जाति का बोध होता है तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसको आप उदाहरण द्वारा ही समझ पाएंगे कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा बेटा अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो अध्यापक यहाँ क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि मैंने किसी एक अध्यापक का नाम नहीं लिया है। ये नहीं कहा है कि सरिता मैम हिंदी पढ़ा रही हैं, तो सरिता मैम जब मैंने यहाँ नाम लिया होगा तो वो व्यक्तिवाचक में आती, लेकिन मैंने क्या कहा, अगर आप ये कहें कि अध्यापिका पढ़ा रही हैं तो पूरे अध्यापिका मतलब अध्यापक वर्ग का आप यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, उनके जाति को बता रहे हैं, तो ये किसमें आएगा, जातिवाचक संज्ञा में। तो अध्यापक पढ़ा रहे हैं तो अध्यापक क्या यहाँ पे हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, तो यहां लड़के तो आपने क्या किया है, पूरे जितने भी लड़के मतलब लड़का होते हैं उनके पूरी जाति का वर्णन किया, किसी एक लड़के के बारे में आपने नहीं बताया है, नाम नहीं रखा है, यहाँ पूरी उसकी जाति का वर्णन किया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा,
जातिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए मोर नाच रहा है, देखिए बेटा मोर, आपने जैसे मोर के पूरे प्रजाति चाहे वो छोटा हो बड़ा हो आपने सबका वर्णन किया है तो ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अगर आप कहते सफेद मोर, ठीक है, तो वहां जब आप ऐसे कहते सफेद मोर नाच रहा है तो वो किसमें आता, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन आपने मोर नाच रहा है तो ये किसमें आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में। उसी प्रकार हाथी जंगल में घूम रहा है, देखिए यहां हाथी और जंगल ये दोनों किसमें आएंगे, जातिवाचक में, क्योंकि हाथी किसी ने, आप ये नहीं कहें काला हाथी सफेद हाथी, आपने ये नहीं कहा सिर्फ हाथी, तो हाथी में छोटा बड़ा मतलब सारे उसकी प्रजाति आ जाएंगे तो ये किसमें आएंगे, जातिवाचक में। उसी प्रकार ये जंगल, जंगल में भी आपने ये नहीं रखा कि किस जंगल में, जैसे हम लोग के पास जो गोरखपुर के पास कुसमी जंगल, अगर हम ये कहते कुसमी जंगल तो ये किसमें आते, व्यक्तिवाचक में। लेकिन मैंने सिर्फ जंगल कहा है तो मतलब सारे जितने छोटे बड़े जितने प्रकार के जंगल होते सब इसमें आ रहे, मतलब पूरी उसकी जाति का वर्णन हो गया है तो ये किसमें आएंगे बेटा, जातिवाचक संज्ञा में। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि जिस संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के सभी वस्तुओं प्राणियों और स्थान का बोध होता है तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से संपूर्ण जाति का बोध होता है तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला हमारा है, तीसरा हमारा है भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी स्थान के गुण दोष अवस्था एवं स्वभाव का जब वर्णन होता है अर्थात उनका बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। एक बार और सुनिए कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु व्यक्ति प्राणी या स्थान के गुण दोष अवस्था या स्वभाव का वर्णन होता है अर्थात बोध होता है तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा बीमारी का बुढ़ापा बीमारी की जड़ है, तो यहां देखिए बेटा बुढ़ापा क्या है, व्यक्ति के अवस्था के बारे में बता रहा है तो किसमें आएगा, तो भाववाचक संज्ञा में। उसी का हमारा है कि इस कुएं की गहराई अधिक है, तो देखिए बेटा यहाँ पे गहराई क्या बता रहा है, कुएं के गुण को बता रहा है कि कुएं की गुण क्या है, तो इसकी गहराई है। देखिए भाववाचक संज्ञा को केवल महसूस किया जा सकता है, इसको स्पर्श अर्थात इसको छू नहीं सकते, सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, कोई खुश है कोई दुख है कोई सुखी है कोई दुखी है तो ये क्या है, हम सिर्फ उसके भाव को ही समझ सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं। व्यक्तिवाचक में व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं तो उसको हम स्पर्श कर सकते हैं, जाति में भी जब हम किसी के बारे में बता रहे हैं तो उसको भी हम लोग स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन भाववाचक में हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं, उसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार जैसे मैंने लिखा कि बुढ़ापा बीमारी की जड़ है, बुढ़ापा क्या है, अवस्था है, तो सिर्फ उसको अनुभव किया जा सकता है, गहराई इसको भी क्या है, अनुभव किया जा सकता है, तो ये क्या है, ये भाववाचक संज्ञा में है। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं बेटा, कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी
व्यक्ति वस्तु या स्थान के गुण दोष अवस्था या स्वभाव का जब वर्णन होता है अर्थात बोध होता है तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक उदाहरण और देखिए, सुबह से काम करके थकान हो गई है, देखिए बेटा थकान, तो ये हमारे अंदर स्वभाव है कि जब हम काम करते हैं तो क्या कहते हैं, आज बहुत थक गए हैं, तो अपने स्वभाव को बता रहे हैं। तो ये किसमें आएगा, ये भाववाचक संज्ञा है। तो ये था संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अगले वीडियो में जो दो और भेद है द्रव्यवाचक और समूहवाचक उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई भी समस्या आ रही हो, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और जो मैंने उनको तीन भेदों को विस्तार पूर्वक बताया, अगर इस पे कोई भी समस्या आपको उत्पन्न हो रही है तो आप मुझसे फोन करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।